Good morning, everyone. Today we are going to discuss another lecture, which is improvement in the CES production function. आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो CES production function में improvement से related है, और इसमें दो तरह का improvement है. एक तो constant elasticity से हम variable returns to scale की तरफ जाएंगे, और दूसरा इम्प्रूवमेंट जो है वो है जो CES प्रोडक्शन फंक्शन है वो परफेक्ट कंपटीशन पर आधारित है. लेकिन अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में CES प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा. तो ये दो करेक्शंस हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में. एक है, इसीलिए इसके टाइटल में हमने नीचे लिख रखा है CES प्रोडक्शन फंक्शन अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये दो करेक्शन CES प्रोडक्शन फंक्शन में करेंगे तो उसका फॉर्म क्या होगा उसको हम आज आपसे डिस्कस करेंगे. ये करेक्शन डिराइम्स ने सजेस्ट किए थे 1965 में, उनका नाम यहाँ सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है, कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो जो कंडीशन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू द रियल वेज रेट, और फिर हम उसको यूलर थ्योरम में रखते हैं, वो कंडीशन होल्ड नहीं करेगी. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमें प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट कंडीशंस को होल्ड करना है, और उससे हम वेज रेट की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम यूलर थ्योरम में रखेंगे. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट कंडीशंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर नॉट द रियल वेज रेट. तो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो आइए देख लें. मार्जिनल कॉस्ट हम कॉस्ट इक्वेशन से निकालेंगे जिसे यहाँ लिख रखा हमने C इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के. डब्ल्यू वेज रेट पर वर्कर है, एल क्वांटिटी ऑफ लेबर है, आर प्राइस पर यूनिट ऑफ कैपिटल है या रेंटल वैल्यू आप कह सकते हैं, और के टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है. इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डेल्टा C बाई डेल्टा एल के रिस्पेक्ट में, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डेल्टा C बाई डेल्टा एल, जो यहाँ लिख रखा है एम सी एल इक्वल टू, अब डब्ल्यू एल यू वी का फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है तो हमने सेकेंड टर्म ऐसे ही रखा एल डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एल प्लस डब्ल्यू ऐसे ही रखा तो डेल्टा एल बाई डेल्टा एल वन के बराबर है. तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर आपका ये निकल आया एल डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एल प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया है और अंदर जो आपका बचेगा वन प्लस एल बाई डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एल. ये डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एल इंटू एल बाई डब्ल्यू ये वेज इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और वेज इलास्टिसिटी एक तरह से रेसिप्रोकल है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर की. तो एल बाई डब्ल्यू बाई डेल्टा एल जो है ये वेज इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, एंड इट इज, इसको हमने सिंबल ई से इंडिकेट किया है, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर. तो ई की हम एल बाई डब्ल्यू बाई डेल्टा एल की जगह जो हमारी इक्वेशन वन है वहाँ पे ई रख देंगे. तो एम सी एल इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वन प्लस ई के बराबर हो जाएगा. अब क्योंकि एम पी एल एम सी एल के बराबर होना चाहिए इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो एम सी एल की वैल्यू हमने निकाल ली. एम पी एल की जगह हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल लिख दिया है, और एम सी एल की जगह डब्ल्यू वन प्लस ई रख दिया. अब ये वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल की हम यूलर्स इक्वेशन में रख दें तो वहाँ पर आपको मिलेगा एल डब्ल्यू वन प्लस ई प्लस के डेल्टा वाई बाई डेल्टा के इक्वल टू वाई. तो अगर प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से उसे बांटा जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो वो पूरी तरह कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। अब W की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो हम राइट हैंड साइड पे K डेल्टा वाई बाई डेल्टा के को पहले ले जाएं और फिर L से डिवाइड कर दें, Y बाई L आ जाएगा माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा के बाई एल आ जाएगा ब्रैकेट में, और उसी के नीचे हमने 1+E लिख दिया। फिर Y बाई एल हम कॉमन ले लें तो W की वैल्यू आएगी 1 माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा के इंटू के वाई वाई अपॉन 1+E। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा के इंटू के वाई वाई ये आउटपुट इलास्टिसिटी है या स्केल इलास्टिसिटी है, पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो उसको हमने ईटा से इंडिकेट किया हुआ, ये सिंबल बना हुआ एन की तरह का, स्मॉल एन, ईटा इसे बोलते हैं हम लोग। डब्ल्यू इक्वल टू वाई बाई एल 1 माइनस ईटा अपॉन 1+E, और y बाई एल की वैल्यू निकाल लें इक्वल टू w 1+E जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और अपॉन 1 माइनस ईटा, तो आउटपुट इलास्टिसिटी नीचे चली जाएगी और वेज इलास्टिसिटी ऊपर आ जाएगी। ये इक्वेशन वही है जो पीछे लिखी हुई है हमने कि y बाई एल इक्वल टू w 1+E अपॉन 1 माइनस ईटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईटा आउटपुट इलास्टिसिटी है, लेकिन अगर हम इस नेगेटिव साइन को की जगह हम प्लस साइन बनाते हैं देन इट रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी, तो वो आउटपुट इलास्टिसिटी का इनवर्स हो जाएगा और उसको हम डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने साइन चेंज किया हुआ, वाई बाई एल इक्वल टू डब्ल्यू 1+E अपॉन 1+ईटा, पॉजिटिव करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिकली इनवर्स हो जाएगा आउटपुट इलास्टिसिटी का, इसलिए माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हुआ है। आप वैल्यूज रख के चेक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मान लीजिए ईटा की वैल्यू बहुत अधिक है तो 1 माइनस ईटा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ईटा अगर हम इनवर्स कह रहे हैं आउटपुट इलास्टिसिटी का प्लस साइन के साथ, तो ईटा की वैल्यू जितनी अधिक है तो 1/ईटा जो है वो उतना ही छोटा हो जाएगा और 1+ईटा की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। तो सेम चीज़ रहेगी जो ऊपर है, साइन बदलने से अगर हम साइन प्लस का ले रहे हैं तो हमें इसे इनवर्स के रूप में ट्रीट करना चाहिए, इनवर्स ऑफ द आउटपुट इलास्टिसिटी। जैसे ई जो है इनवर्स ऑफ द वेज इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पे ई जो है सॉरी वेज इलास्टिसिटी ऑफ वेज इलास्टिसिटी है उस, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनवर्स है ऑफ द आउटपुट इलास्टिसिटी। तो डब्ल्यू इक्वल टू वन वाई बाई एल इक्वल टू डब्ल्यू 1+E अपॉन 1+ईटा। 1+E अपॉन 1+ईटा को हम एक इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा वाई बाई एल इक्वल टू एल्फा टी बाई डब्ल्यू। जो एल्फा टी है ये बेसिकली इंडेक्स है ऑफ द आउटपुट ऑफ द इनवर्स ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी एंड वेज इलास्टिसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटीज, रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई एंड आउटपुट इज एन इंडेक्स ई, इज एन इंडेक्स एल्फा टी फॉर इम्परफेक्शंस इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता तो वाई बाई एल इक्वल टू डब्ल्यू होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम ये मान रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो इम्परफेक्शंस प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में कितना है उसका इंडेक्स जो है वो बताएगा, यानी अल्फा टी वो बनेगा 1+E अपॉन 1+ईटा से। इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्फा टी डिफर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सैंपल डेटा, तो जो इंटरप्रिटेशन है अल्फा टी का वो डिफर करेगा सैंपल डेटा के हिसाब से। जैसे अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन डेटा है तो अल्फा टी जो है इम्प्लाइज इम्परफेक्शंस फेस बाय फर्म्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये जो डिफरेंट साइज ऑफ फर्म्स हैं उनको कितना इम्परफेक्शन फेस करना पड़ रहा वो बताएगा।
इन केस ऑफ टाइम सीरीज डेटा मार्केट परफेक्शन फेज बाय फर्म ओवर टाइम हो जाएगा। इक्वेशन टू जो है हमने पीछे निकाली, तो उसे लॉग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लॉग वाई बाई एल इक्वल टू लॉग ए प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा प्लस बी लॉग एल्फा टी इंटू डब्ल्यू प्लस यू, और फिर लॉग वाई बाई एल इक्वल टू लॉग ए प्लस बी लॉग एल्फा टी प्लस बी लॉग डब्ल्यू प्लस यू। अब प्रोडक्शन फंक्शन इस इक्वेशन से जो डिराइव करेंगे उसकी इक्वेशन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन से रिजेंबल करती है, वाई इक्वल टू एल्फा थ्री टी ये एफिशिएंसी पैरामीटर है, इनटू एल्फा वन टी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, एल टी पावर माइनस थीटा, एल्फा टू टी यानी जो रिमेनिंग पार्ट है वन माइनस एल्फा वन टी का एल्फा टू टी है, के की पावर माइनस थीटा इंटू माइनस वन बाई थीटा, लगभग सी एस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह है, और एल्फा वन टी प्लस एल्फा टू टी वन के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो एल्फा वन टी एल्फा टू टी हैं ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का रोल प्ले करती हैं, एल्फा थ्री टी जो है वो एफिशिएंसी इंडेक्स को यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, और वो बेसिकली एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होगा अंडर इम्परफेक्शंस इन द प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट डिस्पाइट थ्योरेटिकल इम्प्रूवमेंट इन द ओरिजिनल सी एस प्रोडक्शन फंक्शन बट हैज प्रैक्टिकल लिमिटेशंस टू एक्यूरेटली एस्टिमेट सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिसिटी, कि जो थ्योरेटिकल इम्प्रूवमेंट तो है ओरिजिनल सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में, क्योंकि जो रियल मार्केट पिक्चर है उसमें फर्म्स जो हैं इम्परफेक्शंस फेस करती हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है अल्फा टी को एस्टिमेट करने की, क्योंकि ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ई पे और वैल्यू ऑफ ईटा पे। वैल्यू ऑफ ई का मतलब है वेज इलास्टिसिटी, और जो कि हम कहते हैं विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, और ईटा जो है यहाँ पे इन केस में वो इनवर्स है या रेसिप्रोकल है ऑफ द आउटपुट इलास्टिसिटी। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि उसको एस्टिमेट करना अल्फा टी को वो थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसीलिए ये कहा जाता है इट इज़ बेटर टू एस्टिमेट सी एस प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन। सी एस हम पहले बता चुके हैं, वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट शो कर दें, आप एक नया पैरामीटर यहाँ स्मॉल वी से इंडिकेट किया हुआ है उसे इंट्रोड्यूस कर दें। तो वाई इक्वल टू रो, वाई इक्वल टू रो वन माइनस डेल्टा एल की पावर माइनस थीटा प्लस डेल्टा के की पावर माइनस थीटा इंटू की पावर माइनस रो बाई थीटा। तो यहाँ पे रो आ जाएगा, वी आर रो इंडिकेट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, वी आर रो इंडिकेट्स डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। तो केवल यहाँ एक पैरामीटर ऐड हुआ है सी एस प्रोडक्शन में, वो है रो, और वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को इंडिकेट करता है। अगर हम फैक्टर इनपुट्स को लैम्डा टाइम बढ़ा दें तो नया आउटपुट वाई स्टार हो जाएगा, लेबर को लैम्डा टाइम बढ़ाया, कैपिटल को लैम्डा टाइम बढ़ाया, फिर लैम्डा अगर हम बाहर लेंगे तो हमारा आएगा लैम्डा की पावर रो, माइनस वन बाई थीटा कट जाएगा, तो वाई स्टार इक्वल टू लैम्डा की पावर रो इंटू वाई, बाकी जो वैल्यू है वो वाई के बराबर हो जाएगी। इफ रो इक्वल टू वन देर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इफ रो लेस देन वन देर आर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फाइनली इफ रो इज ग्रेटर देन वन देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये रो की वैल्यू हमें इंडिकेट कर रही है, और ये वेरिएबल इलास्टिसिटी, ये जो है ये वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको या सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्स का करेक्शन बहुत पावरफुल है, थियोरेटिकली बहुत साउंड है, और कई बार इकोनॉमिक सर्विसेज में से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया। थैंक्स एंड गुड विशेज, एंड गिव योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक्स।